नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल दोस्तों बात करेंगे बीएड पार्ट फाइनल ईयर एग्जाम दो का असेसमेंट फॉर लर्निंग वाला पेपर है और तीन घंटे का एग्जाम होगा मार्क्स अस्सी नंबर है राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी है सब यूनिवर्सिटी के लिए पेपर काम आएगा देखते हैं कि इसमें किस, किस प्रकार के क्वेश्चन पे दिए गए हैं सेक्शन ए के अंदर बात करते हैं पहला नंबर का जो क्वेश्चन है आंकलन का अर्थ स्पष्ट करें हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर दिया गया पाँच पाँच नंबर के क्वेश्चन है मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए नेक्स्ट आता है तीन नंबर क्वेश्चन अधिगम के लिए आकलन का महत्व बताइए चार नंबर क्वेश्चन है रुब्रिक्स क्या है संचयी अभिलेख पत्र क्या है नेक्स्ट आता है सिक्स नंबर विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को उपयोगिता बताइए नेक्स्ट आता है सेवन नंबर आकलन हेतु कनी पांच सामूहिक गतिविधियों के बारे में लिखना होगा अध्यापक डायरी योजना क्या है उसके बाद में आता है रचनावादी अधिगम के लाभ बताइए पृष्ठ पोषण फीडबैक के प्रकार सह संबंध क्या है कितने प्रकार का होता है छात्रों को पृष्ठ पोषण देने का क्या महत्व तो है बताना होगा सेक्शन बी के अंदर बात करते हैं तेरह नंबर क्वेश्चन परीक्षण की तकनीकी तथा व्यवहारिक विशेषता बताना होगा ये आपका पंद्रह नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है अथवा के अंदर दे रखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है इसके महत्व तो के बारे में स्पष्ट करें नेक्स्ट आता है चौदह नंबर क्वेश्चन संकेतक सूचकांक का अर्थ तथा विशेषता बताना होगा ये पंद्रह नंबर क्वेश्चन है अथवा के अंदर पूछा है सांख्यिकी से आपका क्या हिस्सा है शिक्षा में इसका क्या महत्व तो है पंद्रह नंबर क्वेश्चन आता है शैक्षणिक आकलन की चुनौतियां बताना होगा सुधार हेतु सुझाव भी दीजिए अथवा के अंदर दे रखे इसमें निम्नलिखित किन्नी दो पर में टिप्पणी लिखना होगा ग्रेडिंग प्रणाली हो गई खुली पुस्तकें परीक्षा हो गई छात्र प्रस्तुतिकरण हो गया दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पेपर काम आएगा राजस्थान यूनिवर्सिटीज का पेपर है लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद